सब्सक्राइब करें क्रेजी क्रेविंग्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी क्रेविंग्स। आज मैं आपके लाई हूँ सोया बिरयानी की रेसिपी। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बिरयानी खाने का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप बासमती चावल, जिसको कि मैंने ओपन पैन में यानी कि पतीले में कुक कर लिया है। और ये 90% ही कुक किया है हमने, बाकी का चावल हम इसको दम के साथ पकाएंगे। और पकाने के बाद आप इसे थोड़ी देर खुले बर्तन में रख दें ताकि जो चावल के दाने हैं वो खिले खिले रहें। तो यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई और इसे हम गर्म होने देंगे। और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाती है, मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसे भी हम गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे 3 बड़े प्याज, जिसे कि हमने इस तरीके से लच्छों में काट रखा है। और ये हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमारी जो गैस की फ्लेम है वो हाई रहेगी और इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और ऐसा करने में हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं। और अब इन प्याज को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये प्याज हमने इस तरीके से प्लेट में निकाल ली है और इसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे 2 तेज पत्ते, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 8-10 दाने काली मिर्च के और 1 छोटा चम्मच जीरा। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही सारे मसाले हमारे भुन जाएं, हम इसमें डाल देंगे 5-6 कलियां लहसुन की और उसे भी हम भून लेंगे। सारे मसाले और लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा प्याज, जो कि मैंने इस तरीके से लच्छों में काटा हुआ है, और इसे भी हम थोड़ा सा चला लेते हैं। और साथ ही हम डालते हैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी हमें प्याज के साथ भुनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक के पेस्ट की जगह अदरक को जो बारीक बारीक है आप उस तरीके से भी काट के डाल सकते हैं। 10-12 सेकेंड तक इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी गाजर। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि मैंने रफली चॉप किया हुआ है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल दूँगी नमक, जो कि है स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप कोई सा भी गरम मसाला या कोई सब्जी मसाला इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसे 2 मिनट तक हम पकने देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और यहाँ पर अब हम डालेंगे 100 ग्राम न्यूट्रेला, जिसे कि मैंने 15 मिनट तक गर्म पानी में भिगो कर रखा था और उसके बाद उसे अच्छे से निचोड़ लिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी न्यूट्रेला है यानी सोया है, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है। और इसे हम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। मसालों के साथ मिक्स करते ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी। पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि न्यूट्रेला के साथ जो सारे मसाले हैं वो फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और न्यूट्री हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम यहाँ पे अपनी जो गैस की फ्लेम है उसको पूरा तरीके से बंद कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। और यहाँ पे गैस की फ्लेम हम इसलिए बंद करते हैं क्योंकि अगर आप ऑन फ्लेम पे ही डालेंगे तो दही जो है वो हमारी फट जाती है। इसलिए जैसे ही हमारी दही इसके साथ मिक्स हो जाएगी, हम दोबारा गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। दही के मिक्स होते ही हम गैस की फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे और उसकी अब हम लेयरिंग शुरू करेंगे। तो लेयरिंग के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो हम डालेंगे वो है हरा धनिया। हरा धनिया हम इसके अंदर अच्छे से डाल देते हैं, बारीक कटा फ्रेश धनिया यूज़ किया है। और साथ ही डाल देंगे हम कुछ पत्ते पुदीने के, पुदीने का भी इसके अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे अपना जो गोल्डन फ्राई किया था हमने प्याज स्टार्टिंग में किया था, ये प्याज हम डाल देंगे इसके अंदर।
और प्याज हमारा हमने अच्छे से फैला दिया है। और इसके बाद हम डालेंगे अपने जो अपने राइस दिखाए थे आपको स्टार्टिंग में, कुक्ड राइस, इसे हम अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो रखा है और जैसे ही हमारी जो चावल की लेयर है वो फिनिश हो जाए तो वही प्रोसेस हमें दोबारा से रिपीट करना है। सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद मैंने दोबारा से चावल की एक फाइनल लेयर लगा दी है और ऊपर से हम वही चीज़ें डाल देंगे जैसे धनिया डाला है हमने और अपना ऑनियन डाला है। और अब मैं यहाँ पे थोड़े से पत्ते पुदीने के भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है ये येलो फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है, बस ये है कि इससे जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कटोरी में दूध और केसर को भी घोल के डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, ढक्कन लगा देंगे। और अगर इस तरीके से ढक्कन में कहीं पे अगर आपके होल है तो आप उसे कवर कर दीजिए, चाहे तो आप आटा लगा सकते हैं गूंदा हुआ या किसी पेपर के पीस से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेपर का पीस इंसर्ट कर दिया है और ये इसलिए करते हैं ताकि जो इसके सारे फ्लेवर से उसका जो अरोमा है वो बाहर ना आ जाए। और 10 मिनट के लिए हम इसे दम पर पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, बिरयानी हमारी बिल्कुल बन के रेडी है। और अब हम इसमें डाल देंगे घी। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। आप घी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वैसे बिरयानी में घी डालना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही अच्छा इसका जो फ्लेवर है वो आता है। तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और घी डालने के बाद हम इसे दोबारा ढक्कन लगा देंगे। बिरयानी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। और जब भी आप इसे सर्व करें आप इसे ढक्कन को निकालिए और सर्व कीजिए। तो होप आपको ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 PM। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।